किसान की कहानी। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। वहां पर 2-3 साल से बारिश नहीं हुई थी, जिस वजह से वहां की सारी जमीन सूख चुकी थी। किसान बहुत दुखी था, क्योंकि वो अपने जमीन के ऊपर कोई फसल नहीं उगा पा रहा था। सर्दी का मौसम था, आज किसान पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। तभी उसे वहां एक सांप नजर आया। वह सांप अपना फन फैलाए हुए बैठा हुआ था। किसान के मन में एक बात आई, ये सांप काफी सालों से यहां रहता है, इसे भी इस अकाल के समय में मेरी तरह खाना ढूंढने में परेशानी होगी। फिर गरीब किसान ने मन ही मन ये तय किया कि वो हर रोज सांप को एक कटोरी दूध पिलाएगा। अगले ही दिन किसान एक कटोरी में दूध ले आया और सांप के बिल के पास रखकर कहने लगा, हे नागराज, आपको मेरा प्रणाम। मैंने कभी ध्यान नहीं दिया कि आप भी यही रहते हैं। सूखे की वजह से मैं तो परेशान हूँ और मुझे लगता है आपको भी परेशानी हो रही होगी, इसलिए अब से मैं रोज आपको एक कटोरी दूध पिलाया करूँगा। ये बोलकर किसान ने वो कटोरी वही छोड़ दी और वहाँ से चला। अगले दिन सुबह जब वो कटोरी लेने वापस आया तो उसने देखा कि कटोरी में कुछ चमक रहा है। किसान ने कटोरी को उठाकर देखा तो उसके अंदर एक सोने का सिक्का था। फिर किसान हर रोज सांप को एक कटोरी दूध पिलाता और अगले दिन सुबह हर रोज उसे एक सोने का सिक्का मिलता। एक दिन किसान को किसी काम से शहर जाना था और उसने अपने बेटे को ये जिम्मेदारी सौंपी। उसने अपने बेटे को कहा, बेटा ध्यान से एक कटोरी दूध सांप के बिल के पास रख देना। किसान के बेटे ने अपने पिता के कहे अनुसार एक कटोरी दूध सांप के बिल के पास रख दी। अगली सुबह उसे भी सोने का सिक्का मिला। उसके बेटे ने सोचा कि यह सांप तो बड़ा कंजूस है, जरूर उसके पास बहुत सारे सोने के सिक्के होंगे, लेकिन ये तो हर रोज बस एक ही सिक्का देता है। अगर मैं इसे मार दूं तो मैं इसके सारे सोने के सिक्के ले सकता हूँ। अगली शाम जब लड़का दूध देने के लिए गया तो उसने सांप को देखते ही उस पर छड़ी से वार किया, मगर सांप भी सतर्क था, उसे छड़ी तो लगी पर उसने किसान के बेटे को भी डंस लिया। सांप का विष बहुत ही जहरीला था। देखते ही देखते किसान के बेटे की मौत हो गई और जख्मी सांप अपने बिल में वापस चला गया। जब किसान वापस लौट कर आया तो उसे अपने बेटे की मृत्यु के बारे में पता चला। साथ ही वो बहुत दुखी और क्रोधित होकर सांप के बिल के पास उसे मारने पहुंचा। तभी उसने सांप को देखा कि सांप को भी काफी चोट आई है। उसे देखते ही वो समझ गया कि उसके बेटे ने सांप पर हमला किया होगा। वो समझ गया कि परिस्थिति ही कुछ ऐसी हो गई होगी कि सांप ने उसके बेटे को डसा होगा। उसने हाथ जोड़कर सांप से माफी मांगी और सांप से अपने बेटे को वापस लाने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद सांप अपने बिल में जाकर बाहर आया और उसने किसान को एक जड़ी बूटी दी। गरीब किसान जड़ी बूटी लेकर अपने मरे हुए बेटे के पास गया। उसने उसके नाक के पास वो जड़ी बूटी रखी। थोड़ी देर बाद उसका बेटा खालस्ता हुआ उठ खड़ा हुआ। जिंदा होने के बाद किसान के बेटे को उसकी गलती का एहसास हुआ। वो अपने पिता के साथ सांप के बिल के पास गया और उससे हाथ जोड़कर माफी मांगी और बोला, हे नागराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। अब मैं किसी भी पशु पक्षी या जानवर पर हमला नहीं करूंगा। मुझे क्षमा दान दें। सांप ने भी खुश होकर अपना सिर हिलाया और वापस अपने बिल में चला गया। इस कहानी से हमें दो सीख मिलती है, पहली ये कि लालच करना बुरी बात और दूसरी सीख ये है कि हमें निर्दोष जीवों पे हमला नहीं करना चाहिए। हमें उन्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहिए।